दोस्तों अगर आप भी विराट कोहली को एक महान कप्तान मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के खराब प्रदर्शन के कारण सेमीफाइनल से ही पहले भारतीय टीम की घर वापसी का टिकट कट गया, जिसके बाद सभी खिलाड़ी एक एक करके भारत वापस लौटने। लेकिन दोस्तों भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली और उनकी धर्मपत्नी अनुष्का शर्मा के साथ एयरपोर्ट पर ऐसी शर्मनाक हरकत हुई जिसे देखकर तो शायद आपका भी खून खौल उठेगा। लेकिन दोस्तों टीम की हार से भड़के हुए फैंस ने भारत लौटते हुए विराट कोहली और उनकी धर्मपत्नी अनुष्का शर्मा के साथ काफी ज्यादा बदसलूकी करी। चलिए दोस्तों आपको बताते हैं विस्तार से इस खबर के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली में कौन है बेहतरीन कप्तान? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम से जिस तरह के प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही थी उसके उलट टीम इंडिया ने ऐसा खराब खेल दिखाया कि ग्रुप स्टेज से ही टीम इंडिया का सफर समाप्त हो गया। और जहां टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही भारत को खिताब का प्रबल दावेदार बताया जा रहा था और उसी टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने दो बड़े मुकाबले यानी कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने प्रदर्शन से सभी को निराश कर दिया, जहां भारतीय गेंदबाजों की एक ना चली और ना ही बल्लेबाजों का बल्ला चला और इसके बाद भारतीय टीम के कई खिलाड़ियों को काफी ज्यादा आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। दोस्तों फैंस इतने ज्यादा भड़के हुए हैं कि गुस्से में आकर उन्होंने व्यक्तिगत रूप से भी खिलाड़ियों को टारगेट करना शुरू कर दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि इस T20 वर्ल्ड कप में विराट कोहली से काफी ज्यादा उम्मीदें लगाई जा रही थी। एक तो उनका आखिरी वर्ल्ड कप था और उन्होंने अभी तक कोई ICC ट्रॉफी भी अपने नाम नहीं करी थी, क्योंकि विराट कोहली हमेशा ही भारत की ओर से खेलते हुए T20 वर्ल्ड कप बेहद शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हैं, ये भी एक कारण है। तो यहां तक कि पिछले दोस्तों दोनों T20 वर्ल्ड कप में भारत की ओर से उन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए थे और वही बेहतरीन बल्लेबाज थे, इसीलिए इनसे इस T20 वर्ल्ड कप में काफी ज्यादा उम्मीदें थी कि वो बतौर कप्तान अपने आखिरी T20 वर्ल्ड कप में शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करके भारतीय टीम को दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप का खिताब जिताने में कामयाब रहेंगे, साथ ही साथ ये भी उनका पहला ICC खिताब होगा बतौर कप्तान। लेकिन दोस्तों ऐसा प्रदर्शन करने में वो नाकाम रहे और इसकी वजह से भारतीय टीम ग्रुप स्टेज से ही T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गई, जिसके बाद उनकी कड़ी आलोचना की जा रही है। लेकिन दोस्तों किसी को ये नहीं पता था कि भारत कदम रखते ही फैंस विराट के साथ इतना गंदा बर्ताव करेंगे। दरअसल दोस्तों विराट कोहली और अनुष्का शर्मा जैसे ही मुंबई एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे थे उसी दौरान कुछ फैंस ने वहां खड़े होकर हूटिंग करना शुरू कर दिया और कई ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग किया जिसकी उम्मीद तो विराट कोहली और उनकी धर्मपत्नी अनुष्का शर्मा ने बिल्कुल नहीं की होगी। और दोस्तों इस दौरान कुछ लोगों ने तो उन्हें घेरने की कोशिश करी, लेकिन एयरपोर्ट सिक्योरिटी टीम ने उन्हें किसी तरह वहां से बाहर निकाला, जिसके बाद विराट और अनुष्का अपने घर के लिए रवाना हो गए। दोस्तों बेशक टीम इंडिया ने टूर्नामेंट में खराब खेल दिखाया है, लेकिन लोगों के द्वारा इस तरह का बर्ताव बिल्कुल भी नाजायज है और ऐसे लोगों को अपने आप को भारतीय क्रिकेट टीम का फैन कहना नहीं चाहिए, ऐसा उनको शोभा नहीं देता है। लेकिन दोस्तों आप सभी को क्या लगता है कि क्या विराट कोहली भविष्य में शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करके इन सभी आलोचकों को अपने बल्ले से करारा जवाब देंगे या फिर नहीं? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।